चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्टिशन वन। यहाँ आप जब भी ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको बेसिक रूल क्लियर हो। इस परचेज बुक की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो समझना है कि इसमें सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही आते हैं, इसमें गुड्स रिलेटेड ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट कभी भी इसमें नहीं आता। आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो हम फुल क्रेडिट ट्रांजेक्शन कंसिडर करके इसमें रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रीपेड परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ हरीश कुमार, ये बोला हुआ है। तो हम पहले हेडिंग लगा देंगे परचेज बुक ऑफ श्री हरीश कुमार, ये पहला पॉइंट। लेजर का फॉर्मेट जो मतलब लेजर वर्ड नहीं करेंगे, जो परचेज बुक है उसका फॉर्मेट क्या होगा, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट। यहाँ पे इनवर्ड इनवर्ड इनवॉइस नंबर का मतलब वो हुआ कि हम परचेस करते हैं तो इनवर्ड हमारे पास जो आता है इनवॉइस नंबर उसकी बात हो रही है। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो बोलना है वो जो फर्स्ट पॉइंट है, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम महेश ऑन वन मंथ क्रेडिट, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। डेट आप सबसे पहले यहाँ पे मंथ का जो है 2015 ईयर लिखा, मंथ लिखा, उसके बाद फर्स्ट लिखा महेश अकाउंट, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर में डैश, और यहाँ पे भी डैश, और यहाँ पे 10,000 हम लिख देंगे। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं बच्चा, गुड्स ऑफ 15,000 परचेज फ्रॉम हसमुख भाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 15। तो यहाँ पे हसमुख भाई से हमने गुड्स परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे सिंपल वे में ध्यान में रखो ये ट्रांजेक्शन भी क्रेडिट है, नाम गिवन है और बैंक या कैश का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपल वे में हम लिखेंगे यहाँ पे हसमुख भाई, और यहाँ पे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ पे 15,000 का 10% करोगे तो 1,500 होगा, 1,500 हम 15,000 में से माइनस करोगे तो आंसर आएगा 13,500। देखो एक बार लिख देता हूँ, 15,000 का 10% करोगे तो 1,500, आंसर जो आएगा 13,500, और यहाँ पे जो एंट्री होगी वो 13,500 हम लिखेंगे। यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है वो 15 है और हसमुख भाई लिखेंगे और ये सेकंड नंबर का लिख देंगे। अब बच्चा आगे चलते हैं, सिक्स्थ वाला पॉइंट। तो सिक्स्थ वाले में क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम मानसी फॉर कैश। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, नीचे नोट करके प्रॉपर लिखना है टोटल, वो तो बात की बात है, नोट करके यहाँ पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे बच्चा ये ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन द परचेज बुक, जिसमें सिक्स्थ ट्रांजेक्शन होगा कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। वैसे प्रॉपर आप लिखो, आदत डालो तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, तो वो ध्यान में रखना। दूसरा है, प्लेस एन ऑर्डर विच नवीन फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ 10,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे ध्यान में रख लो, नवीन से आप जो गुड्स परचेज करोगे ये क्रेडिट है, हमने खाली सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर देने से ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे आगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड, और ये डेट के साथ मार्च 14। क्लियर, ये लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चा, वो ध्यान से समझना। आगे चलते हैं, फर्नीचर ऑफ 6,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट ऑन वन मंथ क्रेडिट, वापिस ये नॉन करंट असेट परचेज करने की बात आई तो इसमें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स असेट परचेज ऑन क्रेडिट विल नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल, विल रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर इसके बाद के चैप्टरों में है जो आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। कैश ट्रांजेक्शन होगा तो कैश बुक में लिखेंगे, जब भी आप यहाँ पे बोलोगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ फिक्स एसेट परचेज करते हो, फिक्स एसेट परचेज करते हो क्रेडिट पे, तो जनरल प्रॉपर में आएगा, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो आपको क्लियर है, जिसको हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। नवीन सप्लाई गुड्स एज पर द ऑर्डर सेंट हिज इनवॉइस 3114 आफ्टर द एडिंग द रेलवे फ्रेट ऑफ 1200। यहाँ पे गुड समझ लो कितना है, तो यहाँ पे जो गुड्स है श्री ओ रहा, ये रहा 10,000 है, 10,000 का आप 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो हो जाएगा 8,000, 10,000 का 20% हो जाएगा कितना 2,000, माइनस करोगे तो 8,000 हो जाएगा, 8,000 है। यहाँ पे हम लिखेंगे नवीन अकाउंट, और यहाँ पे जो हमारा नंबर है इनवॉइस नंबर 311314, और यहाँ पे 8,000 जो आपका ये फ्रेट चार्जेस है वो कैश बुक में हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखा होगा या जनरल, रेलवे फ्रेट विल बी रिकॉर्डिंग द जनरल प्रॉपर,
वर्ड ऐसा लिखा जाएगा, कैश बुक वर्ड नहीं, जनरल प्रॉपर लिखा जाएगा, वो ध्यान में रखना है, मार्च 20 जो है वो। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो सिर्फ हमें ध्यान रखना है जो हमने परचेस किया है उसकी ही आएगी। एक पॉइंट और बच्चा मुझे जो ध्यान रखना है वो आपसे बोलना है, वो मेन पॉइंट है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ऑर्डर रिसीव जो अमाउंट है वो ऊपर से अमाउंट लेनी पड़ेगी, यहाँ से 10,000, वो ध्यान रखना। आगे चलते हैं 23। तो 23 में गुड्स ऑफ 4,000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट, ये तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन, कैश परचेज जो होगा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, वो ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश परचेज विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, कैश परचेज विल रिकॉर्ड इन कैश बुक, तो वो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद 25th, गुड्स ऑफ 16,000 परचेज फ्रॉम बाबूलाल, 10% डिस्काउंट पेड, हाफ ऑफ द अमाउंट इमीजिएटली बाय चेक, तो हम इसको पूरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन कंसिडर करेंगे, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे 16,000 का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 का 10% 1600 होगा, माइनस करोगे तो बच्चा 14,400 आ जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अब सिंपल यहाँ पे लिखेंगे बाबूलाल अकाउंट, डेट है 25, चेक हाँ मतलब नंबर कोई नहीं है, तो यहाँ पे डैश लिख दिया, इनवॉइस नंबर नहीं है, और 14,400 लिख दिया। यहाँ पे लास्ट, सेकेंड लास्ट जो पॉइंट दिया हुआ है तो वो क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ 6,000 परचेज फ्रॉम ललित, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ बिल पेड इमीजिएटली, आधा अधूरा पड़ा होगा और लिख दिया तो आपके आंसर में गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इमीजिएटली पे कर दिया तो इसकी एंट्री आएगी नहीं। तो यहाँ पे बच्चा हमें जो ध्यान में रखना है, कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और वो आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट, गुड्स ऑफ 3,000 परचेज फ्रॉम राजेश, बिल नंबर 101, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, राजेश से हमने परचेज किया हुआ है तो राजेश अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे जो बिल नंबर है 101 लिखेंगे, और 3,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसका टोटल करेंगे तो 48,900 हमारा आ जाएगा। लास्ट में एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, टोटल क्रेडिट परचेज अमाउंट 48,900, दिस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। ये आप लाइन लिखते हो तो आपका एकदम परफेक्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सम खत्म, प्रॉपर एक बार समझ लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।